हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज एसएससी बैंकिंग रेलवे से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स हम करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए बच्चों, एंजॉय द वीडियो। क्वेश्चन नंबर एक है बच्चों, 9 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन बच्चों, 9 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कॉसेक स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक अगर बाय में रहे तो उसे अगर पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 5 रहा। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 5 लिखिए, कॉस सेक स्क्वायर को पलटाएंगे तो हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। सेक में क्या होता है, एच बाय बी, कॉस में क्या होता है, बी बाय एच। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये दोनों 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 9 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों, 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 9 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ना, अब आप लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। मतलब आपका हो गया 9 1 9। ये बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों, 10 to the power 100 को 5 पर पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा, भागफल क्या होगा, भागफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 पर पावर 100 है को 5 पर पावर 75 से विभाजित यानी डिवाइड करने पर, विभाजित मतलब डिवाइड करने पर भागफल क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, सॉरी क्वोशियंट, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा भागफल क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10 to the power 100 को डिवाइड करने का रहा है हमें 5 to the power 75 से, है ना, 10 पर पावर 100 को डिवाइड करना है 5 पर पावर 75 से। देखिए बच्चों कितना सिंपल है, तो ये कितना है, 10 है, 10 को हम ले लेते हैं 5 into 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, और बाय कितना है 5 पर 75। तो ध्यान दीजिए सर, बहुत दीजिएगा, तो ये 105 का भी पावर है, 2 का भी है, क्योंकि होल ब्रैकेट है, तो 5 पर हो गया आपका 100 इंटू 2 पर हो गया 100, कोई दिक्कत, और बाएं में कितना बच्चों 5 पर 75। देखिए 5 पर पावर 100 है और 5 पर 75 है, बेस इक्वल है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो बेस इक्वल रहे और भाग में रहे तो पावर घट जाता है, तो 500 हुआ है, 5 इंच में 75 हुआ है, तो 100 में 75 को चल जाएगा, तो कितने बचे बच्चों, 25 ठो,
सौ में चला गया 75, क्या बचा 25 बचा, और इनटू कितना 100 पर, 2 पर कितना है 100 है। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 पर 25 गुना 2 पर 75 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बेस अगर इक्वल रहे तो गुना में पावर जुट जाता है। तो 100 को हम बांट दिए, 2 पर 25 है 2 पर 75, तो 75 और 25 क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए 25 25 दोनों पावर मिल रहा है, तो ये 5 और 2 को गुना कर दीजिए, 5 और 2 को गुना कितना हो गया, ये 100 हो गया बच्चों, और पावर कितना आ गया 25, और ये क्या बचेगा 2 पर 75, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए 100 को हम लिखते हैं 10 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 इंटू 2 पर 75, तो क्या होगा बच्चों 10 पर कितना हो गया 25 दूनी 50 इंटू 2 पर 75, दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। यही क्या होगा भागफल होगा, यानी कि कोसेंट होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 12 संख्याओं का, 12 संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज, 12 संख्याओं का औसत 15 है, 12 संख्याओं का औसत 15 है, और पहली दो संख्याओं, पहली दो संख्याओं का औसत 14 है, कितना है 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, शेष संख्याओं का औसत क्या है। क्या कह रहा है बच्चों कि 12 संख्या है जिसका एवरेज कितना है 15 है, और पहली दो संख्याओं का औसत 12 है, पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 14 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, समझ में, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, वर्ग दीजिएगा शेष संख्याओं का औसत, औसत मीन्स एवरेज, औसत क्या है, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं शेष संख्याओं का योग, कहना बच्चों शेष संख्याओं का योग, संख्या को अगर हम औसत से गुना करें तो योग निकलता है, कहना था बच्चों। तो क्या करते हैं, इस 12 संख्या में से 12 संख्या का जो औसत था उसके योग में पहली दो संख्याओं का योग घटा देते हैं, तो कितना बच जाएगा 10 संख्या बचेगा, तो क्या करते हैं 12 गुना 15 माइनस पहली दो संख्या, तो दो औसत कितना है 14, तो क्या किए ये 12 संख्याओं में से 12 संख्याओं के योग में से 10 दो संख्याओं का योग घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा 10 संख्या का योग निकल जाएगा, तो 12 गुना 15 180 और 14 गुना 28 क्या है बच्चों 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 152 ये आपका निकल गया 10 संख्याओं का योग, क्या निकला 10 संख्याओं का योग, क्योंकि 12 संख्या था दो संख्या था तो 10 संख्या बचा, इसलिए औसत, औसत क्या होता है योग बटे संख्या, क्या था बच्चों योग बटे संख्या, योग है 152 और संख्या कितना 10 है, तो 152 को 10 से भाग देंगे तो क्या होगा 15.2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों गौर कीजिएगा, सब ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन है कि चार नंबर में अंडर रूट वाई बराबर फोर एक्स, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर चार में, इफ यदि रूट अंडर वाई बराबर फोर एक्स देन एक्स स्क्वायर बटे वाई बराबर वाई। क्या बोला बच्चों क्वेश्चन में कि यदि रूट वाई में अंडर रूट वाई बराबर चार एक्स तो एक्स स्क्वायर बटे वाई का मान क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने जो गिवन दिया है अंडर रूट वाई बराबर क्या दिया बच्चों फोर एक्स दिया है, तो एक काम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स मतलब क्या, दोनों और वर्ग करने पर ये हो गया आपका रूट वाई का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, खाली वाई बचेगा, किसी भी रूट वाले संख्या का वर्ग करने से रूट हट जाता है। 4x का वर्ग करेंगे तो क्या बच्चों 4 का 16 हो गया, x का क्या हो गया x स्क्वायर। अब इसे लिखिए क्या है x स्क्वायर बटे y, तो ये x स्क्वायर लिख दिए, y का मान क्या आया 16x स्क्वायर, यहां y है क्या बता दिया बच्चों 16x स्क्वायर, ये कट गया तो बच गया 1/16, दिस इज योर आंसर। समझ गए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्वेश्चन है कि इफ एक्स बाय वाई इक्वल टू ए प्लस 2/a-2 देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई। क्या कहा क्वेश्चन बच्चों, यदि x बटे वाई बराबर ए प्लस 2 और बटे ए माइनस 2 देन मतलब तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए कितना अच्छा है, हमें चाहिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या दिया है x बाय वाई, पहले इसको हम वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बच्चों, एक्स बाय वाई स्क्वायर में आएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कीजिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब आप लोगों को मैंने अनुपात समानुपात जब चैप्टर में बताया था कि योगांतरानुपात यानी कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल से हम किसी भी सवाल को बहुत आसान कर सकते हैं। योगांतरानुपात मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर यानी कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, वही क्या करेंगे, ये अंश है ये हर है, करेंगे अंश प्लस हर बटे यहाँ माइनस है, चलिए पहले इसे निकाल लेते हैं, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ठीक है, माने इसमें एक बार इसको जोड़ना है और इसमें इसको एक बार घटाना है, तो जो इधर किए वही इधर कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस टू का होल स्क्वायर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, हो गया बच्चों, अंश में हर को जोड़े अंश में हर को घटा दिए। अब देखिए यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोगों ने कहा देखाऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका बच्चों फॉर्मूला था 2a² प्लस b², क्या था बच्चों 2a² प्लस b², देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, a में a है b में 2 है, फॉर्मूला क्या है बच्चों 2a² प्लस b², a में तो a ठीक है लेकिन b के यहां में 2 है, 2 का स्क्वायर क्या है 4 बाय नीचे देखिए क्या फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों अगर माइनस यहां था क्या था माइनस, तो फॉर्मूला होगा बच्चों 4ab क्या होता प्लस रहेगा तो होगा 2a² + b²
और माइनस रहेगा तो होगा फोर ए बी, समझ गए, ध्यान दीजिए। तो फोर ए कौन है, टू, और बी कौन है, ठीक है ना, फोर ए बी, बी में टू बैठा दीजिए। अब देखिए बच्चों काट दीजिए, दो दो खत्म हो गया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर बाय चार बटे फोर ए। हमें चाहिए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या दे रहे हैं, मेरा उल्टा है तो सीधा कर दीजिए, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए, यहाँ भी ऊपर, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, कितना है बच्चों, फोर ए बाय ए स्क्वायर प्लस फोर, दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक मिश्रण यानी मिक्सचर, एक मिश्रण में चाशनी और पानी, चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है, 3:1 है, भूलिएगा नहीं, 3:1 है, तो इसमें चाशनी की प्रतिशत निकालें, चाशनी की प्रतिशत निकालें। ध्यान दीजिए बच्चों, चाशनी और पानी का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों, गिवन चाशनी अनुपात पानी, क्या दिया है, 3:1 ये दिया है, चाशनी और पानी का अनुपात क्या दिया है, 3:1, तो आपका चाशनी कितना हो गया बच्चों, 3x और पानी कितना हो गया 1x, कुल कितना हो गया, कुल संपूर्ण मिश्रण हो गया 3x और 1x, कितना हो गया 4x, इसलिए प्रतिशत किसका निकालना, चाशनी का प्रतिशत, चाशनी तो जिसका निकालना है बच्चों वो ऊपर रहेगा, किसका निकालना है, चाशनी का, तो चाशनी का 3x बटे टोटल, टोटल कितना है 4x, और प्रतिशत निकालना है, गुना क्या होगा, 100 से करेंगे गुना, ये रिकॉर्ड ये 4 से काटेंगे 100 कितना होगा 25, तो 25 से कितना हो गया 75%। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखा, इन्हें आप ध्यान से देखिए और इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन गुड बाय बाय।